के बंदे हरि को जप ले, सच्चे धर्म को धारण कर ले, झूठे जग से ध्यान हटा ले, भक्ति भजन में मन को रमा ले, भव से तर ले, सुमिरन कर ले, कर एक नाम का पारायण। It's a pleasure for all of us that the efforts that have been put up by the temple in terms of Swaminarayanserial is now available to us on DVD. Swaminarayan Bhagwan has changed the lives of numerous individuals around the world. Seeing this DVD or the serial and the charitas of Maharaj, the Nansantos and the Haribhaktos would definitely make a lot of difference in all our lives. I'd like to wish all the best for you to view this DVD. Especially very helpful to the children to know our culture, tradition and our sampradaya. I wish you many best wishes for all your life, and make this Swaminarayan Sampradaya, Swaminarayan Bhagwan, evolve in our lives, in our hearts. सब कुछ टाल आते हैं देव सरोवर में। हाँ चलो। आवाज नहीं करना। आ जाओ। आ जाओ। शोर नहीं, एकदम आहिस्ते आहिस्ते। अरे इसे क्या खोल रहा है? इसमें दाल चावल है, फेंक इसे, पूरा का पूरा फेंक, फेंक। वाह! अरे तू क्या देख रहा है? फेंक इसे, फेंक। अरे दोनों देख क्या रहे हो? इसे खोलने में मदद करो, इसमें लड्डू है, लड्डू। अरे खोल। ए तू भी फेंक। लो कई सारी वावा पानी में। अब कल का सूरज देखेगा लोगों की थूथू और उनका मुर्दा,
जो लोगों से ही मांग मांग कर उन्हें खिलाते हैं और अपनी वाहवा खरीदते हैं। अब अपनी आंखों से देखेंगे हम वो तमाशा। चलो तो मिलेंगे पर खाली, परोसेंगे क्या, खाएंगे क्या, अब आएगा मजा। चलो जल्दी 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 जल्दी। हाँ सुनो, तुम यहां से निकालो और तुम वहां से निकालो। हाँ हाँ हाँ। सारे बर्तन तो खाली पड़े हैं। सारा खाना गया कहाँ? कल रात सारा खाना था, मैं खुद यहाँ आया था। चोर जो यहाँ आते हैं उनमें से ही एक है, पर वो हो कौन सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। प्रभु के धाम में चोरी कौन करेगा? प्रभु श्री तो बिना मांगे ही सब कुछ दे देते हैं ना। फिर सो तो है, पर चोरी अवश्य हुई है। हाँ। और जो लोग बाहर बैठे हैं उनको खाना कैसे खिलाएंगे? हाँ हाँ, क्या खिलाएंगे हम सब? अरे भाई बहुत देर लगा दी खाना लाने में। अरे पत्तल दोना क्या देखने के लिए रखा है? अरे पेट में चूहे बिल्ली का पूरा जंगल दौड़ रहा है, क्यों भाई ठीक है ना? धीरज धरो, रोज तो दे देते हैं, मालूम नहीं आज क्या हुआ। पता नहीं आज क्या हो गया होगा, इतनी देर क्यों लग रही है? हर रोज तो देते हैं, लेकिन इतनी देर कभी नहीं लगी ना। पता नहीं क्या हो गया है। एक काम करते हैं, हम सब जाकर प्रभु श्री से बात करते हैं। हाँ हाँ हाँ, चलो चलो चलो, यही ठीक है। चोर कौन हो सकता है? चलो चलो जल्दी चलो। हे प्रभु, ये क्या हो गया है सब? क्या हुआ? क्या हुआ? अंदर तो कुछ भी नहीं है। अरे चलो प्रभु श्री से बात करते हैं। चलो 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 प्रभु श्री के पास चलते हैं। चलो कैसे हो गया पता नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? अरे लेकिन होना ही नहीं, आज तक तो कभी नहीं हुआ था। नहीं कैसे, अजीब हाल, सब कुछ था पता नहीं। बड़े अचंभे की बात है, पूछना पड़ेगा ऐसे थोड़ी। किसने किया? अरे भाई कहाँ जा रहे हो? पता नहीं, रात को रसोई में से यकायक सामान कैसे गायब हो गया। हाँ स्वामी जी। हाँ मैंने भी कल रात को एक आदमी को रसोई घर की ओर जाते देखा था। हाँ कौन हो सकता है? क्या पता नहीं, देखा स्वामी जी ने देखा है अभी, पता नहीं कौन। अरे भाई इधर आओ जरा। क्या बात है? हाँ यही था। हाँ इसी को मैंने कल रसोई घर की ओर देखा था। हाँ? चलो प्रभु जी के पास। चलो, लेकिन चलो मैंने तो मैं तो प्रभु जी के लिए चलो आप, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो प्रसाद लेकर आया था, मैंने कुछ नहीं किया। हाँ मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बोला ना मैं तो प्रसाद लेकर आया था। क्या हुआ है प्रभु श्री? यही है वो चोर। चोर? नहीं नहीं, मैं गरीब अवश्य हूँ पर चोर नहीं। अच्छा ये क्या है तुम्हारे हाथ में? ये कुछ नहीं। तो छुपाते क्यों हो? दिखाओ 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 दिखाओ, दिखाओ। दिखाएगा कैसे, कहीं से हाथ मार के लाया होगा। नहीं नहीं प्रभु श्री, गरीब हूं ना, मैं चोर नहीं हूं। मैं तो प्रभु के चरणों में चढ़ाने के लिए यह प्रसाद लाया था। देखिए यह
यथाशक्ति से प्रसाद लाया हूं भाई। प्रभु श्री, मैं चोर नहीं हूं, मैं चोर नहीं हूं प्रभु श्री। क्या चोरी हुआ है भाई? प्रभु श्री, सारी भोजन सामग्री इसी ने चुराई है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चलिए दिखाइए, तुम भी हमारे साथ चलो। देखिए प्रभु श्री, तुम्हारा नाम क्या है? जी गोविंद। गोविंद, एक काम करोगे? जी कहिए। तुम ये प्रसाद सच्ची भावना से लाए हो ना? प्रभु श्री, प्रसाद तो आपको दिखा सकता हूं, लेकिन भावना कैसे दिखाऊं? भावना दिखाना चाहते हो? जी प्रभु। तो एक काम ये करो, ये प्रसाद थोड़ा थोड़ा सारे बर्तनों में डाल दो। सोच क्या रहे हो? प्रभु जी जैसा कहते हैं वैसा करो। जी डाल दिया? जी प्रभु। चलिए अब आप लोग एक एक बर्तन उठाइए और प्रारंभ कीजिए। चलिए, ये तो हमारी भावना की कसौटी है। यदि हमारी भावना सच्ची है तो कोई भी अभ्यागत बिना प्रसाद लिए नहीं जाएगा। प्रभु श्री, आपने तो मेरी लाज रख ली। मुझ पर यह चोरी का कलंक लगता तो मेरा जीवन जीना हराम हो जाता। प्रभु श्री, आपने तो मेरे प्राण बचाए हैं। नहीं गोविंद, जो हुआ वो सबकी भावना की कसौटी थी, और कसौटी हमेशा कंचन की होती है, कथीर की नहीं। और जब भावना सच्ची होती है तो भोजन की कभी कमी नहीं पड़ती। बोलो श्री स्वामीनारायण भगवान की जय।
क्यों आज जाने का इरादा नहीं है क्या राजा? तो रुक जाइए, हीरा रात भर आपका मन बहलाएगी। बस जेब में दम होना चाहिए। हाँ, जेब तो खाली हो जाएगी बाई जी, पर मन का दुख कम नहीं होगा। क्या हुआ राजा, ऐसा कौन सा दुख है आपको? अरे ये लोग बहुत पैसे वाले हैं, उनका दुख भी बड़ा सा होता है। हो सकता है किसी की वाह वाह सुन ली होगी इन्होंने। कोई किसी को कुछ देता है तो देख लिया होगा उन्हें, ये दुख क्या कम है? ठठा उड़ा रही हो मेरा? हंसो, खूब हंसो, पर समंदर में जितना पानी है उतना दर्द है मेरे दिल में। लोग उनकी वाह वाह कर रहे हैं, उनकी 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 यानी किनकी? उनकी, जिनकी जेबें खाली है, जो ये वाह वाह खरीदते हैं, लोगों का ही माल लोगों में बांटते हैं, अपने आप को भगवान कहलवाते हैं। ओ, तो यानी कि आप भगवान स्वामी नारायण की बात कर रहे हैं? और नहीं तो किसकी? नाम तो हमने भी सुना है सेठ जी, पर देखना नसीब नहीं हुआ है हमको। तो फिर सोच क्या रही हो? जाओ, जाकर देखो और दर्शन करो उसके। अरे तुम्हें कोई वहां अपना पैर भी नहीं रखने देगा, पत्थर मार मार कर भगा देंगे। वो क्यों भला, हम क्या मनुष्य नहीं है? क्या फर्क है हम में और उनमें? यूं देखा जाए तो कोई फर्क नहीं है, वो भी लोगों को लूटते हैं और तुम भी लोगों को लूटती हो। तुम अपनी पूजा करवाती हो और वे अपनी पूजा करवाते हैं, वो भी वाह वाह के आदि हैं और तुम भी वाह वाह के आदि हो। उनके मन में भी घमंड है और तुम्हारे मन में भी घमंड है लोगों पर अपना जादू चलाने का। तुम में और उनमें केवल एक ही फर्क है हीरा, उनकी परहेज और तुम्हारा पेशा। वो औरतों से परहेज करते हैं, पर्दा करते हैं, और तुम अपना शरीर बेचने का धंधा करती हो। वे पवित्र माने जाते हैं और तुम पापी। पाप पवित्रता को क्या खाक देख सकेगा? अंधेरा उजाले का दर्शन करने जाएगा तो स्वयं मिट जाएगा हीरा, स्वयं। समझ गई ना? हाँ, ना ही वो तुम्हें अपना पैर वहां रखने देंगे और ना ही वे अपना पैर यहां रखेंगे। हाँ, जाते हैं बहुत बड़े बड़े लोगों के पास जाते हैं जहां उन्हें माल मिलता है, पर तुम उन्हें क्या दे सकती हो? क्या अपना नाच गाना सुना सकती हो, अपनी सुंदरता या अपना शरीर उन्हें सौंप सकती हो? पर नहीं, तुम ऐसा करोगी नहीं, क्योंकि तुम्हें कुछ मिलेगा भी तो नहीं, एक ठेला भी नहीं। उनकी परहेज उन्हें आने नहीं देगी और तुम्हारा पेशा उन्हें यहां बुलाने से रहा। इस जन्म में तो तुम्हें उनके दर्शन होने से रहे, फिर भी नसीब आजमाना चाहती हो तो करो प्रयत्न, या खुद वहां जाकर देख लो या उन्हें यहां बुला लो। हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी रानी। चलो। चिंगारी ने अपना काम तो शुरू कर ही दिया होगा, अब आग भी अवश्य ही लगेगी और इसी आग में स्वामी नारायण की वाह वाह स्वाहा हो जाएगी।
और हम देखेंगे तमाशा तमाशा। चिंगारी ने अपना काम तो शुरू कर ही दिया होगा। ना ही वो तुम्हें अपना पैर वहां रखने देंगे और ना ही वे अपना पैर यहां रखेंगे। उनकी परहेज उन्हें आने नहीं देगी और तुम्हारा पेशा उन्हें यहां बुलाने से रहा। इस जन्म में तुम्हें उनके दर्शन होने से रहे, फिर भी नसीब आजमाना चाहती हो तो करो प्रयत्न, या खुद वहां जाकर देख लो या उन्हें यहां बुला लो। हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी रानी। चलो हीरा, ओ हीरा, कहाँ गई होगी? हीरा, 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 घर में कहीं नहीं है, दरवाजा भी खुला है, लगता है कहीं बाहर निकल गई है। कहां जा सकती है आधी रात को? आ गई ना सारी गेहूं बाजरे की बोरियां? जी महाराज। चलो अच्छा हुआ, कल प्रातः काल में बैलगाड़ी आ जाएगी। हाँ। और ये सारा अनाज पीसने के लिए ले जाएंगे। हाँ। जी महाराज। जुदा जुदा सेवा भावियों के घर पर पहुंचा दिया जाएगा इसे। जी महाराज। जिन्हें सेवा करनी हो वो तो अपनी सेवा ढूंढ ही लेते हैं। हाँ भाई, भोजन के लिए आटे की तो आवश्यकता पड़ती है ना। जी जी। और कितने लोग आते हैं, कितना प्रसाद लेते हैं, कहां से आएगा उतना आटा, कौन पीसेगा उसे, है ना? किसी एक का तो काम है नहीं ये। इसीलिए ये सेवा भावियों के घर में भेज देते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, कल ये सब ठिकाने लगा देना। जी, अभी कर देते हैं। हे भगवान, बिना बताए कहां चली गई होगी? हे भगवान, उसकी रक्षा करना। हीरा, हीरा,
हीरा मेरी बात तो सुन, बिना बताए कहां चली गई थी, मुझे कितनी चिंता हो रही थी। काकी, काकी मैं प्रभु श्री के दर्शन के लिए गई थी। क्या? हाँ काकी, हम भी प्रभु में मानते हैं, रोज उनकी प्रार्थना करते हैं, रोज पूजा करते हैं और उनका नाम लेकर फिर अपना काम शुरू करते हैं। हाँ बेटा, हमारे घर में भी देवी देवताओं की तस्वीरें हैं, कहाँ नहीं है, हमारे दिल में भी भारो भार श्रद्धा है। बस वही श्रद्धा की जोत लेकर मैं प्रभु से मिलने चली गई थी। काकी, काकी माना कि हमारा धंधा खोटा है, हमारा शरीर अपवित्र हो सकता है, मगर हमारा हृदय, हमारा हृदय वो तो पवित्र है ना। क्या पापी शरीर में पवित्र हृदय नहीं हो सकता? होता है बेटा। बस इसीलिए, इसीलिए मैं प्रभु से मिलने चली गई थी। पर क्या, किसी ने तुम्हें उनसे मिलने नहीं दिया? नहीं काकी, ऐसा नहीं है। जो प्रभु की सच्चे हृदय से दर्शन करना चाहता हो, उसे भला कौन रोक सकता है। कदाचित प्रभु जी सो गए होंगे। नहीं काकी, प्रभु और शैतान कभी नहीं सोते। शैतान हमेशा सबकी सर्वनाश की सोचता है और प्रभु सबके कल्याण की। तो क्या तुम बिना दर्शन किए ही वापस चली आई? काकी, दर्शन करने के लिए केवल श्रद्धा ही काफी नहीं होती, उसके लिए वो अधिकार भी होना चाहिए। तुम कहना क्या चाहती हो? तुम ही बताओ काकी, क्या आज तक हमने कोई ऐसा कार्य किया है, कोई ऐसा सेवा कार्य किया है कि जिससे हमें यह अधिकार मिल सके? काकी, हम भी सेवा के मार्ग पे चलेंगे, हम भी अनाज मांगेंगे, हम भी अपने हाथों से पीसेंगे। कल जब यहां से गेहूं से भरी हुई बैलगाड़ी गुजरेगी तब। कितना अंतर है घुंघरुओं के ध्वनि में। कहां प्रभु के बैलों के गले में बांधे हुए घुंघरू उनका ध्वनि, और कहां कहां मेरे पैरों में बंधे हुए घुंघरू का ध्वनि। एक से प्रभु की आवाज सुनाई देती है और दूसरे से पाप की।
भाई ठहरो। क्या है भाई? मुझे भी एक दो बोरी अनाज देते जाओ भाई। क्यों? मैं भी पीसूंगी। पागल हो गई हो क्या? तुम पीसोगी? तुम तो वेश्या हो वेश्या। तुम जैसी औरत को अनाज देकर मैं पाप का हिस्सेदार नहीं बनना चाहता, समझी? स्वयं प्रभु को भी ये कबूल नहीं होगा। आई बड़ी अनाज मांगने वाली, चलो। वहां देखो क्या हो रहा है। और तुम पुल की टोकरी लेकर उस तरफ जाओ, वहां पर देखो ठीक चल रहा है ना सब कुछ। जी जी जरा देख लो। पकड़ो तो। अरे अरे आराम से आराम से। महाराज ऊपर है, निरीक्षण कर। सारी सामग्रियां आ गई। आइए सभी दाव यहाँ रखें। और सारे वस्त्र जी, ये सब गांव वालों में क्या क्या बांटना है, लड्डू और खाने की बोरियां कहाँ रखनी है उसको भी जरा देख लो। सब कुछ आ गया, चावल भी ठीक से कर। ए, तू यहां? ए रुको, तुम इधर क्यों आई हो? जी जी, मैं प्रभु श्री से मिलने आई हूं। उनके उनके दर्शन करना चाहती हूं। बड़ी आई दर्शन करने वाली, चल यहां से, निकल यहां से, चल। एक बार, बस एक बार मुझे उनके दर्शन कर लेने दीजिए। ये सीधी तरह से नहीं जाएगी, लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानते। उठाओ पत्थर और मारो इसे। हाँ चलो चलो मारो, चलो, मारो, चलो, मारो, 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 मार मार के इसकी टांगे तोड़ दो, इसकी मारो।
ठहरो। प्रभु क्यों मार रहे हैं उन्हें? प्रभु श्री, ये मना करने पर भी देखिए ना, घुसी चली आ रही है। हमारे द्वार तो हर समय हर किसी के लिए खुले रहते हैं। प्रभु श्री, आप नहीं जानते ये कौन है? ये वैश्या है, वैश्या। अच्छा, ये रूपजीवनी है, वैश्या है, पर तुम्हें सब का पता कैसे चला? कौन सी चीज कहां बिकती है, कौन बेचता है, इसका पता तो केवल खरीदार को होता है ना? कहो मां, क्या चाहती हो तुम? प्रभु श्री, मैं सेवा के मार्ग पे चलना चाहती हूँ, सेवा के लिए आई हूँ। मुझे भी गेहूं चाहिए, मैं भी पीसूंगी। तो ठीक है, गेहूं आपको अवश्य मिलेंगे। जो भक्ति मार्ग पर चलता है वो तो पवित्र हो जाता है। ये हीरा का दर्शन करने का दिखावा था या प्रभु श्री के दिखावे का दर्शन करने आई थी? कुछ भी हो, सुंदरता और स्वामी का आमना सामना हुआ है, तो आज नहीं तो कल आग तो लगनी है। प्रभु श्री की वाह वाह। कौन सा आटा है, गेहूं चना या बाजरी का? गेहूं का। उधर ले जाओ। लो, आ गई प्रभु श्री की चहेती। अब इसे रोक भी कौन सकता है? गेहूं पिसवाने के लिए भिजवाए हैं, अब आटा भी रखा जाएगा और इस पापन के हाथ के पीसे आटे से प्रसाद भी बनेगा। जब सत्संगी भक्त जन वो प्रसाद खाएंगे तो भक्ति मन से बाहर और वासना का भ्रष्टाचार मन के अंदर। अब यहाँ भजन कीर्तन नहीं होंगे, मुजरा होगा, मुजरा। कौन सा आटा है, गेहूं चना या बाजरे का? गेहूं का आटा। वहां दे दो। अरे सुनो, इनका आटा अलग ही रखना। Thank you.
क्यों भाई, ऐसा क्यों? पसीना कभी पापी नहीं होता। ये आटा किसने पीसा है माँ? जी मैंने। आपने खुद पीसा है या किसी से पिसवाया है? नहीं प्रभुश्री, मैंने खुद ने पीसा है। और आपने? जी थोड़ा मैंने पीसा, बाकी का मजदूरन भाइयों को पैसे देकर पिसवा लिया। और तुमने? जी मैंने मजदूरन भाइयों को पैसे देकर पिसवा लिया। और माता आपने? जी अपनी बहू से, घर का सारा काम वही करती रहती है और मैं तो बस प्रभु का नाम लेती रहती हूँ। देखा तुम लोगों ने, केवल यही है जिसने सेवा कार्य अपने हाथों से किया है। और सेवा तो हमेशा पवित्र होती है, पर प्रभु इसी आटे का प्रसाद प्रभु ग्रहण करेंगे ताकि इन माँ को मुक्तानंद जी की भांति मोक्ष प्राप्त हो सके। यदि इस आटे को प्रभु से दूर रखा गया तो रखने वाले से प्रभु स्वयं दूर हो जाएंगे। दे दो माँ। और सब ठीक है भाई? दिन भर की थकान के बाद यहाँ तो बड़ा आनंद आता है। मजा आता है नाच गाना को देखकर। अब कितनी देर लगाओगी भाई जी, कुछ नाच गाना तो दिखाओ। धीरज रखिए, आज हीरा आपको वो सुनाएगी जो आज तक यहाँ किसी ने नहीं सुना होगा। Thank you.
ये क्या नाटक लगा रखा है? हम यहाँ क्या भजन सुनने आए हैं? हमारा तो समय बर्बाद कर दिया। अरे भाई, लगता है इसका माथा खराब हो गया है। माथा खराब हो गया है। आज से इस आंगन में सिर्फ भजन होगा। प्रभु नाम के सिवा कोई और बोल मेरे मुंह से नहीं निकलेंगे। स्वामी नारायण भगवान के आश्रित हो गए हैं हम। अब यहाँ पर घुंघरू की झनकार नहीं, मंजीरे की मीठी नाद सुनाई देगी। प्रभु श्री, एक गणिका का भी आपने उद्धार कर दिया। हाँ आनंदानंद जी, चंचल मन कभी कभी बहकावे में आकर गलत रास्ते पर भटक जाता है, पर मन में छुपी हुई एक जरा सी भी पवित्रता इंसान को सही रास्ते पर लाकर खड़ा कर देती है। उस गणिका की उसी पवित्रता ने उसे भक्ति मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया। अब वो भी मोक्ष प्राप्त करेगी, और मोक्ष भी कोई सामान्य नहीं। जो मोक्ष हमारे वंदनीय मुक्तानंद जी प्राप्त करेंगे, वही मोक्ष वो हीरा पाएगी। एक गणिका को मोक्ष प्राप्ति? धन्य हो प्रभु आप, धन्य हो। बोलो स्वामी नारायण भगवान की जय। अरे भाई, नहीं यहां बैठाइए, संतों की जगह। ये खुशाल भट्ट हैं, बहुत बड़े विद्वान। प्रभु। खुशाल जी, हमें तो आपसे यहां मिलना ही था। प्रभु प्रभु प्रभु। यज्ञ की पूर्णाहुति हो चुकी है। पिछले 18 दिनों से भूखों को भोजन करवाया गया है, अकाल का सामना किया गया है। हाँ साराम जी, इतने बड़े सत्कार्य में प्रभु जी ने हम सबको निमित्त बनाया है, अन्यथा ऐसा अवसर हमें कैसे मिलता और कौन देता। ये सच बात है वेणी राम जी, इसीलिए तो वो प्रभु हैं जो सभी के कल्याण की सोचते हैं, और आप सब तो साक्षी हैं कि हीरा को मोक्ष दिलाने वाले भी तो वही थे ना। ब्रह्मानंद जी, हम चाहते हैं कि हम सब भी कुछ करें। कहो जीवन भगत, आप क्या करना चाहते हैं? केवल इतना ही कि प्रभु श्री हम सबके निमंत्रण का स्वीकार करें। कैसा निमंत्रण? प्रभु हमारे घर भी बारी बारी पधारें, वे हमारे घर भोजन करें। मुक्तानंद जी, आप उन्हें समझाइए, हमारी बात उन तक पहुंचाइए। तुम सब ये बात
सीधे उन तक पहुंचा सकते हो। इसमें संकोच कैसा? मुझे पूरा विश्वास है, भरोसा है कि वे तुम सबकी बात अवश्य सुनेंगे। ऐसी बात नहीं है। इस यज्ञ की सफलता का श्रेय सभी सत्संगियों और आप सभी साधुओं को जाता है। प्रभु श्री, आइए आइए मुक्तानंद जी। प्रभु, ये सभी सत्संगियों की इच्छा है कि आप उनके घर पधारें और प्रसाद ग्रहण करें। ना मुझे तुम सबके घर आने में कोई आपत्ति है और ना ही भोजन करने में, पर तो ये पर कैसा प्रभु? आप सभी तो जानते हैं पूरे 18 दिनों तक मैंने आप सब लोगों का ही तो खाया है, जेतलपुर वासियों का। न सिर्फ मैंने बल्कि सारे संतों ने भी। पर प्रभु श्री, हमारी विनती है आप हमारा घर पावन करें। सो तो ठीक है आशाराम जी, पर आप खुद ही हिसाब लगाइए, इतने सारे लोगों के घर जाने आने में ही कितने दिन व्यतीत हो जाएंगे। जेतलपुर का कार्य अब समाप्त हो गया है और हम दो एक दिन में अब दबाण की ओर निकलेंगे। अब यहां रुकना निरर्थक सिद्ध होगा। क्या आप लोग ये चाहते हैं कि हम अपने दिन खाने पीने में निकाल दें, वो भी अपना कामकाज छोड़कर? वो भी लोगों में कल्याण कार्य। खाने पीने का अधिकार तो सिर्फ उन लोगों को होता है जो दिन में एक अच्छा शुभ कार्य करते हों। प्रभु, एक काम हो सकता है जिससे हम सबका मन भी रह जाएगा और आपका यहाँ रुकना भी निरर्थक सिद्ध न होगा। अच्छा, कौन सा काम? प्रभु, हम सब अपने अपने घर से कुछ न कुछ ले आएंगे। आपको जो ठीक लगे उसमें से थोड़ा थोड़ा खाइएगा। स्वामीनारायण 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 स्वामीनारायण
ये पसंद आएंगे। हाँ वेणी राम, तुम तो बताओ तुम क्या लाए हो? मैं दूधपाक, दूधपाक। प्रभु श्री को दूध की चीजें बहुत पसंद है। मैं भी लड्डू लाया हूँ, लड्डू। और मैं फुलवरी, मिठाई के साथ कुछ नमकीन भी तो चाहिए ना। हाँ, और देखो मैं क्या लाया हूँ, घर में बनी हुई जलेबियां लाया हूँ, केसर डाल के। जलेबी है, जलेबी गर्मा गर्म, उसके अंदर मैंने केसर डाला हुआ है। और दूध पाक के तो क्या कहने वाले हैं। देखना हमारे लाए हुए प्रसाद से प्रभु जी प्रसन्न हो जाएंगे। उसे पूछे तो क्या लाया है। ये तो बताओ जीवन भगत, तुम क्या लाए हो? बताओ जरा, बताओ। नहीं बोलो तो सही, बोलो। हाँ बताओ बताओ भाई, क्या लाए हो? बोलो। वो बताओ 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 जीवन भगत। अरे बताओ भाई, जवाब दो, क्या लाए हो? अरे क्या हुआ भाई, क्या लाए हो जीवन भगत? क्या लाए हो जीवन भगत? क्या है उस थैली के अंदर? पता नहीं क्या लाया होगा। प्रभु श्री कैसे ग्रहण करेंगे इसे? ठहरो भाई ठहरो। हमारे लिए खाना लाए हो और हमें ही नहीं खिलाओगे? आ जाओ ऊपर आ जाओ। तुम लोग क्यों खड़े रह गए? तुम लोग भी ऊपर आ जाओ। जी जी प्रभु, जी जी प्रभु। चलो भाई, चलो चलो चलो, आ जाओ भाई। प्रभु श्री का मन प्रसन्न करेंगे। देखना एक निवाला भी प्रभु श्री के गले नहीं उतरेगा। अरे कैसे उतरेगा, गला छिलने जाएगा, पेट में गया तो छाले पड़ जाएंगे। कहिए क्या लाए हैं? भोजन ग्रहण करें प्रभु श्री, मैं आपके लिए लड्डू लाया हूँ। और मैं दूधपाक, और मैं गर्मा गर्म जलेबी, और मैं फुलवड़ी। ग्रहण करें प्रभु। लीजिए प्रभु। प्रभु श्री लीजिए प्रभु। जलेबी, फुलवड़ी। आप क्या लाए हैं? कुछ नहीं। कुछ तो लाए हैं। अरे वाह, आपको कैसे पता चला कि हमें मटका रोटला और डोडे की भाजी इतनी पसंद है? लाइए।
ये क्या प्रभु श्री? दूध पाक, जलेबी और लड्डू छोड़कर आप रोटला शाक खा रहे हो? हमारी वानगी इससे अधिक स्वादिष्ट है प्रभु श्री। बराबर है प्रभु श्री। चिंता मत कीजिए, ये रोटला खाने से ना तो हमारे मुंह में छाले पड़ेंगे और ना ही पेट में। जानना चाहते हैं आप सब लोग? ये रोटियां दूध में बनाई गई हैं। आटा दूध में मिलाया था ना जीवन भगत? नहीं प्रभु श्री। अर्थात आपको भी पता नहीं। मैं दिखाता हूं। के समान होती है अमृत के। और ये देखिए, देखा, ये भोजन उस धन से बनवाया गया है जो धन किसी रंग के लहू को चुरा चुरा कर तुम सब ने अपनी तिजोरी में जमा कर रखा है। ये शक्ति का दुरुपयोग है और शक्ति का दुरुपयोग करना पाप है, और पाप के भोजन से प्रभु कभी प्रसन्न नहीं होते। भोजन में जब भाव जुड़ता है तो वो प्रसाद बन जाता है। धन के अहंकार से मिला हुआ भोजन हम कभी स्वीकार नहीं करते। सरलता से और निराभिमानी होकर बनाया गया भोजन हमें मीठा लगता है। हमें मालूम होता कि आपको मठ के रोटले पसंद है तो हम वही बनाकर लाते प्रभु श्री। पेड़ी राम जी, हम रोटले या मिठाई के नहीं, भाव के भूखे हैं। प्रभु श्री। ब्रह्मानंद जी, प्रभु श्री, ये मठ का बनाया हुआ रोटला है, आप अकेले से पूरा का पूरा ये हजम नहीं होगा। स्वामी जी, इससे बढ़कर प्रभु का प्रसाद कब खाने को मिलेगा? आप ठीक कह रहे हैं ब्रह्मानंद जी, ये तो प्रसाद है। स्वामी नारायण, स्वामी नारायण, स्वामी नारायण, स्वामी नारायण, मेरे भाई प्रभु तो है सबका।
राजा देना वो मांगे मोती, प्रभु को ऐसे दिखावो की ना जरूरत होती, प्रभु को ऐसे दिखावो की ना जरूरत होती। वही दाता है त्रिभुवन का, वही दाता है त्रिभुवन का, मेरे भाई प्रभु तो है सबका, मेरे भाई प्रभु तो है सबका। ना इसका है न उसका, ना इसका है न उसका, मेरे भाई प्रभु तो है सबका, मेरे भाई प्रभु तो है सबका। मेरे ये प्रभु को भाए, सूखी रोटी प्रेम पगी मेरे ये प्रभु को भाए। वो भूखा भाव भजन का, वो भूखा भाव भजन का, मेरे भाई प्रभु तो है सबका, मेरे भाई प्रभु तो है सबका। ना इसका है न उसका, ना इसका है न उसका, मेरे भाई प्रभु तो है सबका, प्रभु तो है सबका। मैं भी कैसी हूँ, वैसे ही सरफोड़ी करती हूँ। मुझे समय का शान भान नहीं है, लेकिन प्रभु श्री वो तो समय को साथ लेकर चलते हैं, समय पर ही आ जाएंगे, रोज आते ही है ना। मैं उनके लिए आसन वगैरह की तैयारी करती हूँ। आइए आइए, पधारिए प्रभु श्री, विराजिए। आज हम अकेले नहीं आए गंगा माँ, हमारे साथ ये भी आए हैं, इनके लिए भी आसन लगवाइए। प्रसाद लीजिए प्रभु श्री, हम साथ साथ में ही खाएंगे गंगा माँ, मैं और खुशाल भट्ट। आप शुरू तो कीजिए, मैं उनके लिए व्यवस्था करवाती हूँ। कहा ना माँ, खुशाल जी मेरे समीप बैठेंगे, यहाँ मेरे पास। प्रभु श्री, हमारे प्रसाद गृह में सभी ब्राह्मण प्रसाद लेते हैं, खुशाल भट्ट भी वहाँ प्रसाद ले सकते हैं ना? ये सामान्य ब्राह्मण नहीं है, ये उनमें से नहीं। ठीक है प्रभु श्री, मेरे लिए तो सारे के सारे ब्राह्मण एक सरीके हैं। पहले प्रभु श्री के लिए भोग धराया जाता है, उसके बाद प्रभु श्री आरोकते हैं, उसके बाद सारे ब्राह्मण अन्न का निवाला अपने मुंह में डालते हैं। ठीक है, परंतु वो सारे ब्राह्मण आपके प्रसाद लेने की राह देख रहे हैं। और मैं आपकी राह देख रहा हूँ गंगा माँ, आप खुशाल की थाली भी लगाइए मेरे साथ साथ, अन्यथा मैं भी नहीं खाऊंगा और वो लोग भी मेरी राह देखते रहेंगे, भूखे रहेंगे। क्या आप यही चाहती हैं? ये आपका कैसा दुराग्रह है प्रभु श्री, और आपकी कैसी जिद है ये माँ। लेकिन इसमें ऐसी कौन सी विशेषता है कि आप ये खुशाल भट्ट योगी आत्मा है। योगी आत्मा?
गंगा मां आप तो जानती हैं, आज भी श्यामला जी के मंदिर में आरती की नौबत और घंट बजने के कई देर पश्चात आरती का प्रारंभ होता है। हाँ, लेकिन ऐसा क्यों है ये मैं नहीं जानती। कई वर्ष पहले की बात है, जब खुशाल जी छोटे थे और रात रात भर नदी के तट पर खेला करते थे, और वो भी और किसी के साथ नहीं, स्वयं बाल स्वरूप श्यामला जी के साथ। घंटनाथ, मुझे शीघ्र ही पहुंचना होगा, चलो कल मिलते हैं। हाँ हाँ। अरे ये झांझर कहाँ गया? अरे अरे ये तो कल तक तो था, मुझे भी समझ आया कहाँ चला गया, यहीं पर तो था, कहाँ गया ये झांझर पता नहीं, कल तो था। अरे कहाँ गया होगा, कहाँ गया होगा झांझर, पता नहीं कहाँ गया। मैंने देखा था अपने आप से, मैंने भी देखा था। क्या बात कर रहे हो, प्रभु श्री के झांझर कहाँ जा सकते हैं? कहीं नहीं गया, कहीं नहीं गया पुजारी। अर्थात मिल गया? मिला नहीं, अब मिल जाएगा, यह आपके घर में ही होगा। आओ जाओ, घर का कोना कोना छान मारो, ढूंढो, इस पुजारी ने चुरा कर कहीं छुपा कर रख दिया है, जाओ ढूंढो, वहां ढूंढो। मैंने चोरी नहीं की है। ढूंढो, ढूंढते जाओ, ढूंढते जाओ, ठीक से ढूंढो। मुझ पर इतना बड़ा कलंक मत लगाओ, मैंने चोरी नहीं की है। चोरी नहीं की, अभी पता चल जाएगा, ठीक से ढूंढो। क्या कर रहे हैं? अभी पता चल जाएगा कि तुमने चोरी की नहीं की। तुम उस तरफ देखो, यहाँ कुछ नहीं है। बहुत ढूंढा। अरे भाई, रहने दो भाई, ढूंढो, कहाँ है, बस करो, रहने दो। उसके नीचे देखो, उसके नीचे, यहाँ भी नहीं है। उस तरफ देखो। मैंने चोरी नहीं की।
भगवान तो भली भांति जानता है कि मैं चोर नहीं हूँ, फिर भी मुझ पर इतना बड़ा कलंक लगाया, घर का कोना कोना छान मारा और तुम देखते रहे, चुप रहे। पर ये मुझसे सहन नहीं होगा प्रभु, मुझसे सहन नहीं होगा। इतने बड़े कलंक के बोझ के तले मैं जी नहीं सकूंगा, मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। भगवान तुम मूर्ति हो और मूर्ति ही बने रहोगे, देखते रहना और कुछ न बोलना, मैं अपने प्राण त्याग कर दूंगा प्रभु। मैं इसी समय तुम्हारे चरणों में अपने प्राण त्याग कर दूंगा, मैं अपने प्राण त्याग कर दूंगा। हे पुजारी, मैं जानता हूं चोरी तुमने नहीं की, पर कुशाल के साथ रात को खेलते समय वो झांझर निकल गया था। आरती की आवाज सुनकर मैं तो भागा, मेरा तो ध्यान ही नहीं था। हाँ, कदाचित वो झांझर वहीं कहीं पड़ा मिलेगा, या अवश्य ही वो कुशाल ने देखा होगा, तो उसी के पास वो झांझर होगी जो वो आज रात मुझे दे देगा। कल मेरे पैर में अवश्य ही वो झांझर होगा, आप निश्चिंत रहिए, धीरज रखिए। ये किसकी आवाज थी, कौन बोल रहा था? स्वयं श्यामला जी? ये कैसे संभव है? यदि ये संभव है तो अवश्य ही असंभव है कि प्रभु कुशाल के साथ खेलने जाएंगे। कहां भगवान और कहां कुशाल, एक सामान्य बालक। ठीक है, अभी पता लगाता हूं मैं, अभी पता लगाता हूं। जय श्यामला जी बा। जय श्यामला जी। आइए पुजारी जी, कहिए। जय श्यामला जी बा। जय श्यामला जी। वो झांझर कहाँ है? झांझर? श्यामला जी का झांझर जो आपके पुत्र कुशाल के पास है। प्रभु जी का झांझर कुशाल के पास? हो सकता है बालसाज लालच से उसने घर में छुपा कर रखा हो। आप कैसी बात कर रहे हैं पुजारी जी, प्रभु की कृपा से हमारे घर में क्या कमी है, खुशाल झांझर छुपाएगा, क्या करेगा वो उसका? ये मैं नहीं जानता, ये मेरे लिए जीवन मरण का प्रश्न है। अगर ये झांझर नहीं मिली तो मुझे आत्महत्या करनी पड़ेगी। परंतु आपको किसने बताया कि खुशाल के पास झांझर है? स्वयं श्यामला जी ने। ये आपका भ्रम है, मेरा खुशाल ऐसा लड़का नहीं है, उसे झांझर मिल जाता तो हमें जरूर बता देता। तो क्या स्वयं श्यामला जी ने कहा वो झूठ है? हो सकता है सुनने में आपसे कहीं भूल हो गई हो, यह संकेत को आप समझने में भूल कर बैठे हो, फिर भी आपको ऐसा ही लगता हो। ठीक है, घर का सारा कोना कोना ढूंढ सकते हो, टोरडा गांव के मंदिर में और प्रभु मूर्ति के अलंकार चोरी होना केवल आपके लिए नहीं सारे गांव के लिए कलंक है। श्यामला जी पे भरोसा रखिए, झांझर कहीं नहीं जाएगा। नदी के तट पर रात के समय कुशाल के साथ खेलते समय निकल गया है, कदाचित वहीं पड़ा होगा। जीवी बा की बातों से लगता है कि कुशाल को नहीं मिला है, हो सकता है वो नदी के तट पर ही कहीं पड़ा होगा। इसका अर्थ यह है कि खुशाल साधारण बालक नहीं है,
बड़ी ऊंची आत्मा है। उसके चमत्कारों के विषय में हम सब ने सुना ही है, पर स्वयं प्रभु जिसके साथ खेलने चले जाते हैं वो तो योगी होता है योगी। इस घटना में भूल तो मेरी ही थी, हम अपने अपने समय में प्रभु से हमारे मन में जो आए वो करवाते हैं और प्रभु की इच्छा की हम जाने अनजाने में अवहेलना करते हैं। और आरती का समय हम सबने तय किया था, बस करवा दिया घंटनाथ। ये कभी नहीं सोचा था कि इससे प्रभु को भाग कराना पड़ेगा, वो आ तो गए लेकिन ये झांझर। कल से ठीक समय पर आरती का घंटनाद होगा और कुछ समय बाद ही द्वार खोले जाएंगे ताकि प्रभु को संपूर्ण तैयार होने का समय मिले, ठीक है ना? हाँ ठीक है। और तब से लेकर आज तक इसी परंपरा का पालन हो रहा है। आपको और क्या क्या बताऊं, कैसे कैसे चमत्कार किए हैं भट जी ने। इन्होंने आत्मघाती महिला को मोक्ष दिलाया, गूंगे को वाचा दी, सर्प का उद्धार किया और बाघ को भी मोक्ष दिलवाया। केवल मनुष्य ही नहीं, इन्होंने तो जानवरों का भी ख्याल रखा है, क्यों भट जी? और खास सुनने योग्य घटना इडर में हुई, तब भट जी जवान हो चुके थे और तुम्हारे कहने से हम चल तो रहे हैं गुणवंत राय काका, पर इसमें खुशाल भट्ट कर भी क्या सकते हैं? हमारी समस्या एक कान से सुनेंगे दूसरे कान से निकाल देंगे और हम सब घाची के बैल की तरह घूम फिर के वहीं रहेंगे। नहीं बालमुकुंद, खुशाल भट्ट सुना है बहुत चमत्कारी व्यक्ति हैं, वो अवश्य कुछ न कुछ करेंगे, भरोसा रखो वो अवश्य कुछ न कुछ करेंगे। चलो हम उनके पास चलते हैं। हाँ चलिए काका। इतनी हालत खराब है, ये ब्राह्मण पर अन्याय है। अच्छी बात नहीं है, क्या करें? चलिए खुशहाल जी आ गए। जय श्यामला जी। बैठिए आप लोग। आपका नाम तो काफी वक्त से सुना था, मिलना आज हुआ। हमें पता चला कि आप हमारे इडर में आए हैं, हम लोग आपसे कुछ कहने आए हैं। आप जैसे चमत्कारी व्यक्ति के पास हम लोगों को अपनी पीड़ा ले आई है। हम सब इडर के ब्राह्मण हैं, लोगों से आटा अनाज मांगकर अपना निर्वाह चलाते हैं। बड़े दिनों में दान दक्षिणा भी मिल जाती है, उसी से हमें संतोष है। संतोष ही हमारी संपत्ति है, अधिक की लालच नहीं है हमें। हमारे इडर के महाराज गंभीर सिंह वैसे तो बहुत अच्छे हैं, मगर पता नहीं उनको क्या हो गया है, उनको किसी ने भड़का दिया है। हमारे आटा मांगने के व्यवसाय पर उन्होंने कर लगा दिया है। हाँ खुशहाल जी, हमारी इतनी हैसियत कहाँ है कितना सारा कर दे सके। हम सारे महाराज से मिले पर उन्होंने हमारी एक भी नहीं सुनी और ऊपर से हमको धमकी भी दी और कहा कि कान खोल कर सुन लो, कर तो तुम्हें देना ही पड़ेगा, वो भी नियम के अनुसार, नहीं तो तुम सबको दंडित किया जाएगा, सजा दी जाएगी कड़ी से कड़ी, समझे? यही कहने के लिए हम सब आपके पास आए खुशहाल जी, आप कुछ करो, हमें इस पीड़ा से छुटकारा दिलाओ। बताओ हम सब क्या करें, कैसे समझाएं हम महाराज को? मैं खुशहाल भट्ट हूँ, मुझे महाराज से मिलना है। आप रुकिए, मैं पूछ कर आता हूँ।
हमसे विनती करने आए थे और सभी ब्राह्मणों की सफेद धोती पीली पीताम्बर बन गई। ये आपने बिल्कुल ठीक किया महाराज। ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देना हमारा धर्म है, तो राज्य का कर चुकाना उनका धर्म है। इस मामले में बिल्कुल ढील मत देना महाराज। गांव भर से मांग मांग कर खाने वाले ब्राह्मणों पे आप जरा भी दया मत खाना। दया डाकन को खाए। महाराज की जय हो। क्या है? कुशाल भट्ट नाम का ब्राह्मण कोई आपसे मिलना चाहता है। नाम तो सुना है, मगर क्यों आया होगा? मिल लीजिए, पता चल जाएगा। आने दो। जी महाराज। चलिए। भले ही चमत्कारी दिखता होगा, आया होगा अपना कोई जादू का खेल दिखाने और आपको खुश करके दान दक्षिणा लेने। भले ही खुशहाल हो, पर है तो ब्राह्मण ना। महाराज का कल्याण हो। महाराज का कल्याण हो। कहो, क्या कहने आए हो तुम? आपसे विनती करने आया हूँ राजन। आपने इधर के ब्राह्मणों के आटा मांगने पर जो कर लगाया है वो क्या दुगना कर दे? नहीं, महाराज को चाहिए कि वो कर ना लगाए। लो, वो गए और ये आए उनका दूत बनकर। खुशहाल, राज्य मैं चला रहा हूं या तू? आप। तो फिर तुम कौन होते हो ऐसी सलाह देने वाले? हम जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। हम पूरा राज्य संभाल रहे हैं रैयत की सुविधाओं के लिए। हमें कई प्रकार के खर्चे करने पड़ते हैं और वो हम कहां से लाएंगे? इसीलिए ये कर जरूरी है, समझे? रैयत के पैसों से ही रैयत के हितकारियों को हम संभालते हैं, और कर देना हर नागरिक का कर्तव्य है। और हम इन कार्यों को संभालने के लिए कोई पगार नहीं लेते, समझे? कर तो ब्राह्मणों को देना ही पड़ेगा, और कुछ नहीं महाराज। और तो कुछ नहीं कहना है। हाँ, प्रश्न अवश्य उठता है मेरे मन में कि आपका ये खाना पीना, आप तो सेवक है ना, आपके रैयत के, तो फिर एक सेवक होकर ये खाना पीना आपको कैसे परवड़ता है? इसका खर्चा कौन चलाता है? खुशहाल, ब्राह्मण को दान और भिक्षा देने से पुण्य मिलता है, और आप इसी भिक्षा पर वटवई वैरा दाग रहे हो। ईश्वर ने ब्राह्मण को भिक्षा का अधिकार दिया है। राजा से की गई प्रार्थना से अधिक शक्ति ईश्वर से की गई प्रार्थना में होती है, और अधिक बल भी होता है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा और देखना आपका ये खाना पीना बिल्कुल बंद हो जाएगा। ईश्वर का नाम बोल गया। अरे, ईश्वर भी कभी ऐसा श्राप देता है? और ऐसे भिखमंगों के श्राप लगते नहीं है। अरे, इनको तो कुछ दो तो आशीर्वाद, और न दो तो श्राप। प्रार्थना करेंगे। पीड़ा मुक्ति के लिए की गई हमारी समूह प्रार्थना सुनिए प्रभु। श्री कृष्ण शरणम नमः, 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 श्री कृष्ण शरणम नमः,
श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम नमः, श्री कृष्ण शरणम नमः, जय श्री कृष्ण शरणम नमः, श्री कृष्ण शरणम नमः, श्री कृष्ण शरणम नमः, जय श्री कृष्ण शरणम नमः। जाते ही होंगे। आइए जल्दी देखिए। पेट में सब कुछ जमा हो गया है, औषध से सब ठीक हो जाएगा, इससे जमा कचरा पूरा बाहर आएगा। धीरज रखिए। इसे पिला दीजिए। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। सब क्या हुआ? इतनी दवाई से तो हाथी का कब्ज भी दूर हो जाता है, अब मुझसे कुछ नहीं हो सकता है। मुझे माफ कीजिए, मुझे माफ कीजिए। अरे अरे वैद्य जी, अरे वैद्य जी कहाँ जा रहे हैं? वैद्य जी मुझे माफ करो। अरे वैद्य जी रुकिए तो। अरे मुझे माफ करो। श्री कृष्ण शरणम नमः, 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 श्री कृष्ण शरणम नमः। अरे मालूम नहीं राजा तो आज भी नहीं आए, कुछ काम क्या हुआ होगा? उनके पेट में बहुत दर्द हो रहा है, क्या हो रहा है आजकल उन्हें पता नहीं चल रहा है, और किसी को पता नहीं चल रहा है। चलो वहाँ यही कर रहे हैं, इलाज भी नहीं है। क्या करें इलाज? क्यों भाई आजकल आराम कर रहे हैं? भगवान जाने महाराज को क्या हो गया है, जो पेट में गया है वो निकलने का नाम ही नहीं ले रहा, और हम यहाँ बैठ कर छुट्टी मना रहे हैं। अरे हाँ, हमने तो सुना है यहाँ हकीम को बुलवाया है। आइए हकीम जी। आधा वर्ज, आधा वर्ज। क्या हुआ इन्हें? अरे हकीम जी इसका कुछ कीजिए। सब कुछ ठीक हो जाएगा, अल्लाह पे भरोसा कीजिए। कुछ चीजें ला के दीजिए मुझे। सब ठीक हो जाएगा।
ये लीजिए, पीजिए इसे, सब दर्द दूर हो जाएगा, पी जाइए। लीजिए, पीजिए। ये क्या है? जुआरे का पानी, पानी को निकाल देगा। पीजिए 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 पीजिए। जाइए, चलिए संभल कर, सब ठीक हो जाएगा। फिक्र मत कीजिए, अल्लाह सब अच्छा करेगा। क्या हुआ? हुआ? इतने जुआर पानी से पूरे बदन का पानी निकल जाता है। मुझे माफ कीजिए, मुझे माफ कीजिए। खुदा हाफिज़। अरे सुनिए हकीम साहब। नहीं नहीं भाई, मुझे माफ तो सुनिए हकीम साहब, मुझे माफ कीजिए भाई, मुझे माफ कीजिए। नहीं हो सकता हकीम साहब। सुनिए सुनिए सुनिए, हमारे राजा गंभीर सिंह की बीमारी का जो कोई भी इलाज कर पाएगा उसे राज की ओर से 5 सोना मोर भेंट दी जाएगी। सुनिए सुनिए सुनिए, हमारे राजा उनका जो कोई भी इलाज कर पाएगा उसे 5 सोने की मोहर इनाम दी जाएगी। सुनिए सुनिए सुनिए, सब लोग ध्यान से सुनिए। राजा गंभीर सिंह का इलाज कोई नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उनका पाला खुशाल भट्ट से पड़ा है। श्री कृष्ण शरणम, जय श्री कृष्ण शरणम, जय श्री कृष्ण शरणम, श्री कृष्ण शरणम, जय श्री कृष्ण शरणम, जय श्री कृष्ण शरणम। राजा को क्या हो गया कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा ही है, हमें आराम मिल रहा है। उनके पेट में दर्द है, हमें क्या। हाँ अच्छी बात है, और 10-15 दिन रहे तो भी ठीक है, 7 दिन ही होने आए हैं। चलेगा। 7 दिन हो गए, हर तरह की दवा की मगर कोई फर्क नहीं पड़ा। अब तो मुझे लगता है कि मेरे शरीर में से निकलेंगे तो सिर्फ मेरे प्राण। ऐसी बातें मत करिए, आपने जो ब्राह्मणों पर कर लगाए ये उसी का परिणाम है। याद कीजिए खुशाल भट्ट के शब्द। राजा से की गई प्रार्थना से अधिक शक्ति ईश्वर से की गई प्रार्थना में होती है, और अधिक बल भी होता है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा और देखना आपका ये खाना पीना बिल्कुल बंद हो जाएगा। ऐलान करवा दीजिए आप ये कर नहीं लेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ महारानी, मैं ऐलान करवा देता हूँ, करवा देता हूँ।
सुनिए, सभी प्रजाजन सुनिए, महाराज के आदेश के अनुसार जो कर ब्राह्मणों की भिक्षा पे लगाया था वो अब की घड़ी से ही हटाया जा रहा है। अब से ऐसा कोई कर ब्राह्मणों को नहीं देना पड़ेगा। सुनो सुनो गांव वालों। खुशाल जी, सुना आपने, महाराज ने डाला हुआ कर उठा लिया है और कभी ना लेने का निर्णय किया है। भगवान महाराज का भला हो। खुशाल जी, ये सब चमत्कार आपका ही है। नहीं, ये सब ईश्वर की कृपा है। सच्चे हृदय से की गई प्रार्थना कभी निष्फल नहीं होती। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। चलो भाई, आराम का वक्त खत्म हो गया, काम शुरू करें। हाँ चलो, 7 दिन की छुट्टी के बाद आज फिर से शुरू हो गया। हाँ चलो भाई चलो। हाँ हाँ चलो। केवल इतना ही नहीं, ठीक होते ही महाराज गंभीर सिंह ने खुशाल से क्षमा मांगी। खुशाल ने महाराज को न केवल क्षमा कर दिया बल्कि उनके राज्य पर छाए हुए घोर अकाल के संकट का निवारण किया। महाराज गंभीर सिंह को संतान नहीं थी, ये खुशाल की ही कृपा थी कि महाराज को संतान प्राप्ति हुई। महाराज ने रहने के लिए खुशाल को महल देना चाहा, धन देना चाहा, पर खुशाल ने अस्वीकार कर दिया। योगी आत्मा तो निष्प्रय होती है ना। खुशाल स्वयं संसार की मोह माया में पड़ना नहीं चाहते थे। जब माता पिता ने मंगनी ब्याह के लिए दबाव डाला तो ये खुशाल भट्ट का पहला गृह त्याग था। पहला? उनके माता पिता को जब पता चला तो वे उन्हें ढूंढने लगे, भटकने लगे। कुछ समय गुजर गया और एक दिन पता चला कि खुशाल कहाँ है और ठाकुर, हमने तो अपने खुशाल की आशाएं छोड़ दी थी। वो तो आप हैं जिन्होंने अपने आदमियों को भिजवा कर ये पता लगाया है कि खुशाल धारेश्वर महादेव के मंदिर में है। मेरा मन कहता है वो आज हमको अवश्य मिल जाएगा। किन शब्दों में आपका आभार माना जाए? आभार मानने के लिए तो पूरा जीवन पड़ा है भूदेव। बस एक बार खुशाल भट्ट वापस तोरड़ा अपने घर आ जाए, ब्याह रचाए और गृहस्थ आश्रम का प्रारंभ कर दे, मुझको खुशी होगी। इससे अधिक हमें क्या चाहिए? एकदम ठीक, चलिए चलिए, जल्दी चलिए। हाँ हाँ।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। खुशाल मेरे पुत्र, प्रणाम पिताजी। पुत्र मेरे लाल, चलो अब घर चलो, हम तुझे लेने आए हैं। नहीं पिताजी, संसार संतान मेरा अंतिम लक्ष्य नहीं है। खुशाल, देश का दिया तो हमेशा जलता रहेगा, काका इच्छा राम तो है। जीवन में सभी सुख हो, पर सहारा ना हो तो। माता पिता का दिल दुखाकर पाया गया लक्ष्य अधूरा ही रहेगा, भागकर लक्ष्य पाने का क्या अर्थ है। उन्हें समझाकर उनके आशीर्वाद लेकर जाओ, यही एक पुत्र का कर्तव्य होता है। अन्यथा तुम्हारे माता पिता की आत्मा प्रेत योनि में भटकती रहेगी हमेशा हमेशा के लिए। क्या तुम एक पुत्र होकर यही चाहते हो? चलिए पिताजी, कुछ खा पी लीजिए, तत्पश्चात चलते हैं। धोनी से कंद निकालकर खुशाल ने सबको दिया। कंद से कामोद की सुवास और उसका स्वाद आ रहा था, खाकर सब लोग तृप्त हो गए। फिर खुशाल का ब्याह रचाया गया, उसके घर पुत्री ने जन्म लिया। खुशाल ने पुत्र का धर्म निभाया था। फिर उसके पिता मोतीलाल बीमार हो गए, लेकिन कुशाल के हाथ का स्पर्श पाते ही उनकी तबीयत एकदम ठीक हो गई। उसके बाद कुशाल घर से निकल पड़े, कोई भी उन्हें रोकने में असमर्थ था। कुशाल ने गांव वालों से विदा ली और निकल पड़े। ये है कुशाल भट्ट जी की जीवन लीला। लोगों का कल्याण करना ही इनके जीवन का लक्ष्य है। इनके समीप बैठना तो किसी के लिए भी सौभाग्य की बात होगी। आप तनिक ठहरिए, मैं आपके लिए भोजन और आसन लेकर आती हूं। प्रभु जी, आज आप हमें छोड़कर जा रहे हैं, परंतु आप चले जाएंगे, बाद में मैं रोज सेवा पूजा किसकी करूंगी। ये है ना गंगा माँ, आपके पास, आपके साथ। हम जब तक लौट के यहां नहीं आ जाते, तब तक हम इन्हीं मूर्तियों में रहकर आपका सेवा कार्य स्वीकार करेंगे। भक्त भगवान में भेदभाव नहीं रखता, भक्ति की तो कोई भाषा ही नहीं होती। और किसी भी रूप में क्यों ना हो, भगवान तो भगवान ही रहते हैं, है ना गंगा माँ।
ठहरो, क्या है? महाराज विठोबा से मिलना है। तुम सब? व्यापारी है, महाजन मंडली। ठीक है, आइए। यहीं रुकिए, मैं खबर करके आता हूं। महाराज, कुछ लोग आपसे मिलने आए हैं। भेज दो। ठीक है, जाइए। तो मैं उनको कह रहा था। भी वही। प्रणाम महाराज। प्रणाम। बैठिए। शुक्रिया। प्रणाम। कहिए महाराज। हम सब आपकी रैयत प्रजा है, व्यापारी है। फरियाद लेकर आए हैं महाराज। आप जानते हैं, अहमदाबाद के हैं, धंधा करते हैं, दुकानें हैं, छोटे मोटे उद्योग चलाते हैं और लगान नियमित रूप से भरते आए हैं। हम चाहते हैं आपका राज्य सलामत रहे और आप ही राजा बने रहें। आपके लिए प्रसाद लाए हैं महाराज। प्रभु का नाम लेकर प्रसाद लीजिए महाराज, ताकि आपका सिंहासन अमर रहे। परंतु महाराज, केवल प्रसाद लेने से कुछ नहीं होता, हमें अपने शत्रुओं से सावधान रहना चाहिए, शत्रुओं को दूर रखने का प्रयत्न करना चाहिए, उसमें राजा और प्रजा सबकी भलाई है। आप जो कहना चाहते हैं वो साफ साफ कहिए। कौन है हमारा शत्रु? क्या कहूं महाराज, हमारा सारा धंधा चौपट हो चला है। तंबाकू, बीड़ी, चिलम वगैरह लोगों ने पीना ही छोड़ दिया है। शराब की बिक्री बंद हो चुकी है। जो हमारा हाल होगा वो हाल आपका भी होगा सरकार। हम कहीं के नहीं रहेंगे महाराज। भीख मांगना ये हमारे नसीब में नहीं होगा, क्योंकि भीख मांगना तो उनका ही जरा है। जो उनकी शरण में जाए वही केवल भीख मांग सकता है। भगवे पहनो और भीख मांगो। पर एक बात समझ में नहीं आई महाजन, वो हमारा राज्य कैसे हड़प सकता है? कर सकता है। अरे महाराज, किया है उसने। सौराष्ट्र में गढ़ा है ना, वहाँ का दरबार अभय खाचर, उसने उस पर ऐसा जादू किया है के अभय दरबार ने अपना छोटा सा राज्य और सारी माल मिलकत उसी के चरणों में डाल दिया है। और वो दरबार गढ़ के कोने में रहता है परिवार के समेत। पिछले कुछ दिनों पहले अहमदाबाद के पास जेतलपुर में विष्णु याग यज्ञ बड़ा धामधूम से मनाया गया सरकार। और ऐसा यज्ञ तो राज्यासन के लिए ही होता है सरकार। और राज्यासन तब मिलेगा जब तत्कालीन राजा यानी कि आप स्वर्ग सिधारे। तुमने सब कुछ बताया पर ये नहीं बताया कि उसका नाम क्या है। कौन है वो जो हमारा राज्य हड़पना चाहता है? मैं उसकी बात कर रहा हूँ महाराज, जो अपने आप को भगवान का अवतार कहलवाता है, भगवान स्वामी नारायण। भगवान स्वामी नारायण? वो अहमदाबाद की ओर आने के लिए रवाना हो चुके हैं महाराज। या तो उसे अहमदाबाद में ही आने ना दे, या उसको हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दे, मौत के घाट उतार दे, अन्यथा। आने दो उसे अहमदाबाद। कुछ ऐसा करेंगे कि वो जीवित वापस न जाएंगे। सांप भी मर जाए
और लाठी भी ना टूटे। स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। आइए पधारिए, हम लोग प्रभु श्री के दर्शन करना चाहते हैं। अवश्य पधारिए, प्रभु श्री अपने खंड में है। आइए आइए आइए। प्रभु श्री आप अहमदाबाद पधारे, आपके दर्शन पाकर हम धन्य हो गए। प्रभु आप व्यापारी महाजन हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। आइए विराजिए। कहिए। महाराज विठोबा का न्योता लेकर आए हैं प्रभु श्री। बहुत नाम सुना है आपका, आपके दर्शन चाहते हैं। हम अवश्य आएंगे, पर अपने महाराज से कहिएगा कि हमारे साथ 500 परमहंस भी होते हैं, आपको उनके रहने खाने की व्यवस्था संभालनी होगी। पर प्रभु श्री, महाराज आपको शास्त्रार्थ के अर्थ से नहीं किंतु आपके पवित्र चरण का स्पर्श भद्र में करवाना चाहते हैं। आप बस वहां पधारें और अकेले ही आइए। ठीक है, महाराज से कहिएगा हम आएंगे। धन्यवाद। प्रभु यह आपने क्या कर दिया, ये पेशवा बहुत ही नीच इंसान है, आपको अकेले बुलाने में उसकी कोई मलिन चाल होगी। प्राण भाई आप तो हमें जानते हैं, ये पेशवा तो एक मामूली जीव है, पर उनको ठीक तो होना ही होगा, आप हम पर भरोसा रखिए। देखते हैं ये पेशवा कौन सा खेल रचाता है। महाराज ये आपने क्या किया, क्यों किया? आपने तो उसको आमंत्रित किया, क्या आप उसका स्वागत करने की सोच रहे हैं? हाँ, जैसा मेहमान वैसा ही उनका स्वागत। मतलब? चलिए आप लोगों को दिखाई देता हूं। बता सकते हो ये क्या है? आसन है महाराज। दिखने में तो ये आसन है, असल में पानी की बहुत बड़ी टंकी है। उस टंकी के ऊपर हमने ये दिखावे का आसन बना दिया है, और कुआं जैसी टंकी के ऊपर पतली पतली लकड़ियां रखकर उस पर हमने दिखावे का ये सिंहासन बना दिया है। हम स्वामी नारायण को कल बुलाएंगे और यहां उसे बैठने के लिए कहेंगे, और उसके बैठते ही लकड़ियां टूट जाएगी और एक आवाज आएगी, धड़ाम। बस खेल खत्म। आओ स्वामीनारायण आओ, जिंदा अंदर जाएगा मुर्दा बाहर आएगा, मुर्दा आओ स्वामीनारायण आओ, मौत तुम्हारी राह देख रही है आओ। आप व्यापारी लोग समझ गए ना, कुछ भी कहो, लाखों लोग स्वामीनारायण को मानते हैं पूजते हैं, मैं चाहूं तो उसको ऐसे ही मरवा सकता हूं,
लेकिन उस तरह करने से हमारी बदनामी होगी और इस तरह मारने से लोग ये समझेंगे कि ये एक अकस्मात है और इस तरह सांप भी मरेगा और लाठी भी रहेगी। क्यों? महाराज की आज्ञा है, तुम सबको यहीं रुकना पड़ेगा। प्रभुश्री अकेले क्यों? अवश्य ही उनकी कोई ना कोई चाल होगी। पधारिए पधारिए स्वामीनारायण जी। स्वामीनारायण जी, आपने अहमदाबाद में पधारने से पहले हमारे हाकिम या वजीर से मंजूरी मांगी? महाराज, मंदिर है हमारा यहाँ अहमदाबाद में। हमारे गुरु श्री रामानंद स्वामी भी यहाँ बिना मंजूरी लिए ही आया करते थे। अरे अरे हटो, रुक जाओ, अरे रुक जाइए, सुनिए, अरे रुक जाओ। फिर भी मंजूरी लेना आवश्यक था। ठीक है, आप ये यज्ञ रुकवा दीजिए। ऐसा तो नहीं हो सकता है महाराज। जैसी आपकी मर्जी, छोड़िए ये सब बातें, आइए आसन ग्रहण कीजिए। खास आप ही के लिए बनवाया है। वो क्यों भला? इस आसन के आप अधिकारी हैं और रैयत का भला चाहने वालों की कदर करना महाराज अपना कर्तव्य समझते हैं। लोगों की भावना की कद्र करना हम भी जानते हैं। नहीं प्रभु श्री, नहीं प्रभु श्री, आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप इस आसन पर ना बैठें। क्यों? प्रभु श्री तो लोगों के हृदय के ऊंचे से ऊंचे आसन पर विराजमान है महाराज। इन्हें इस आसन का मोह नहीं है, वो आसन तो हमेशा हमेशा के लिए है और आपका ये आसन तो पल भर के लिए है। सो तो है, लेकिन ये आसन ग्रहण करने से वो आसन छिन तो नहीं जाएगा ना? प्रभु श्री, आपके पावन स्पर्श से इस आसन को प्रसादित कीजिए, विराजिए। चलिए कोई बीच का रास्ता निकालते हैं जिसे आपकी बात भी रह जाए और हमारी भी। We'll be right back.
अर्थात अर्थात तुम सब लोगों ने मिलकर षड्यंत्र प्रभु की मृत्यु का प्रबंध किया था? नहीं 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 नहीं, नहीं तो दीजिए जवाब। हम सबको क्यों रोका गया था? प्रभु श्री को अकेले यहां क्यों बुलाया गया था? यही इरादा था ना तुम सबका? ये आपका स्वागत है? इस प्रकार की कदर करना आपका कर्तव्य है? अरे कुछ समझ में आया? आप केवल अधिपति हैं, निधिपति नहीं हैं। निधिपति तो ईश्वर है, और इस समय निधिपति आप जैसे अधिपति को दंड देने लायक मानते हैं, और वो दंड हम देंगे आपको। मैं तुम्हारा इसी समय सब कुछ जलाकर भस्म कर दूंगा। निधिपति का यही संकेत है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि नहीं देवानंद, तुम निधिपति के न्याय को अपने हाथों में मत लो। निर्णय निधिपति करेंगे कि महाराज दोषी हैं या निर्दोष, और निधिपति तो न्याय अवश्य ही करेंगे। तुम केवल निधिपति के निर्णय में विश्वास और श्रद्धा रखो। और पेशवा जी, आपने इतना भी नहीं सोचा कि आपके कर्मों को देखने वाला आपसे ऊपर भी कोई है? हमारे साथ इस तरीके का व्यवहार, अरे आपके राज्य में तो इतने चोर और व्यभिचारी बसते हैं, उनको पकड़ने की क्षमता तो आपके अंदर है नहीं। और जो लोग लोगों को सदाचार से खाते हैं, धर्म की राह पर चलते हैं, लोगों को व्यसनों से मुक्त कराने का प्रयास करते हैं, आपने उन्हें ही मारने की चेष्टा की। ईश्वर आपको कभी क्षमा नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा। वो तो समय आने पर देखा जाएगा, पर तुम एक बात कान खोल कर सुन लो। यदि अपना भला चाहते हो तो आज ही अहमदाबाद छोड़कर चले जाना, और फिर कभी हमारे राज्य के क्षेत्र में आने की चेष्टा मत करना, अन्यथा तुम्हें केवल मौत मिलेगी, मौत। मैं अहमदाबाद का राजवी तुम्हें इस घड़ी से निकाल बाहर करता हूं। ठीक है महाराज, हम चले जाएंगे, लेकिन आप अहमदाबाद की धरती और अहमदाबाद के लोगों को पहचानने में भूल मत कीजिएगा। ये धरती और ये लोग यदि सही आधिपत्य को स्वीकार कर सकते हैं तो बुरे आधिपत्य को जड़ से उखाड़ फेंक भी सकते हैं। ये धरती अगर सहना जानती है तो समय आने पर सामना करना भी जानती है। महाराज, आप हमें कितने समय तक के लिए निकाल बाहर करते हैं? जब तक इस राज्य में हमारा राज रहेगा तब तक के लिए। चलिए, देखा देखा महाराज, देखा अपनी मौत से कैसा डर गया। थोड़ी अकड़ भी दिखाई, लेकिन अब फिर से वापस नहीं आएगा। तू गई उसकी लुटिया। श्री हरि, आप हम सबको छोड़कर इतनी जल्दी जा रहे हैं? अब तक तो हम आपका पूरा आतिथ्य सत्कार भी नहीं कर पाए हैं, और आप हमसे यूं विदाई ले रहे हैं? हम सभी लोग आपके लिए राजा से लड़ सकते हैं, इस तरह आप हमें छोड़कर मत जाइए। ना जाने आप वापस कब आएंगे। नहीं भाई, इसमें दुखी होने की कोई बात नहीं। विदाई तो वापसी का शुभ संकेत होता है। हम जा रहे हैं वापस आने के लिए। इस तरह हम आपकी राह कब तक देखते रहेंगे प्रभु? उन्होंने हमें कब तक के लिए निकाल बाहर किया है? जब तक विठोबा राजगद्दी पर है। तो फिर प्रभु, न जाने कितने महीने साल लग जाएंगे आपको वापस अहमदाबाद आने में। नहीं, हम बहुत जल्द ही वापस आएंगे, एक महीने में। जी हाँ,
एक महीने में। इसका इलाका आ गया है। हाँ पता है, होशियार रहना। आप लोग भी होशियार रहना। स्वामी नारायण।